यशिका होती तो और भी इंजॉय करती, लेकिन चलो मैं ले आई हूँ अपने हथियार, बकेट, मग और साथ में वाली झाड़ू। दादी ने अनाज छील के दिया मेरे को, जूस मैं ऐसे पी लूंगा। हमारा हरियाणा का देसी खाना, सर्दियों में देखो गाजर मटर की सब्जी बहुत अच्छी लगती है, इडली का घी, रोटी, लस्सी और साथ में मूली। दादी साथ खेल रहे हो आप, कैसे खेला? ओ अब उतरते हुए दादी का हाथ चाहिए, चढ़ तो मैं जाऊं है। ये अभी सुबह सुबह दूध वाले भैया दूध देख के गए हैं, उसका अंदर लेके चलते हैं, मैं रख देती हूँ कहीं गिर जाए पूरा का पूरा ऐसे ही। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और नई सुबह, नया दिन, सुबह सुबह उठ के चाय नाश्ता अपना कर चुके हैं, शोर नीचे भी खेल चुका है, ऊपर भी जा चुका है, ऊपर भी खेल के वापस नीचे आके फिर से दोबारा ऊपर चला गया है। और हमारे मॉर्निंग रूटीन में क्या होता है, नाश्ता वाश्ता करके फिर वही ब्रश एंड मॉप उस तरफ, मतलब घर के अंदर, और उस तरफ ब्रश एंड मॉप सारा हो चुका है। और ये घर के आगे वाला आंगन है, इसको मैं सोच रही हूँ कि आज इसको वॉश कर देते हैं, धो देते हैं पानी से, मुझे बड़ा अच्छा लगता है ऐसे ना पानी चला के और फिर पूरा ऐसे आंगन धोना। बचपन में मतलब घर पे धोती थी ना तो बड़ा मज़ा आता था, बच्चों को ऐसे पानी में खेल के मज़ा आता है, यशिका होती तो और भी इंजॉय करती, लेकिन चलो मैं ले आई हूँ अपने हथियार, बकेट, मग और साथ में वाली झाड़ू। यहाँ पे करते हैं अभी इसको साफ अच्छे से। ओए मनी प्लांट, कुछ पत्ते जो हो गए हैं पुराने, इसको भी धो देती हूँ साथ के साथ। यहाँ पे जितने अभी बाहर की तरफ प्लांट्स हैं, ये वाला है, उधर वाले जितने हैं उनको भी साथ के साथ अपने धो दूंगी इनको भी। तो चलो देर नहीं करते, फटाफट अपना काम फिनिश करते हैं। यहाँ पे ये वॉश वगैरह कर रही थी, ये देखो का खा रहे हो भाई, अनार खा रहा हूँ दादी, दादी छत बैठ के आराम से कुछ गिरा रहा हूँ, कुछ खा रहा हूँ। हाँ दादी ने अनार छील के दिया मेरे को, जूस मैं ऐसे पी लूंगा। वो पीछे थोड़ा रह जाए है ना अनार का जूस सा, ओ नीचे भी देखो का हाल कर दिया। यहाँ जाना है, हाँ यहाँ गीला है अभी, उसके बाद आना। तो अभी यहाँ पे खाने की तैयारी हो चुकी है, मैंने बताया है आज गाजर मटर की सब्जी, फ्रेश गाजर आती है रेड कलर की, क्योंकि यूके में ना ऑरेंज कलर की मिलती है तो वो वाला फील नहीं आती गाजर वाली, यहाँ पे प्योर ऐसे रेड कलर की मिलती है, ये भी इस तरह की पतली पतली मुझे बड़ी अच्छी लगती है ये वाली। तो बनाई है गाजर मटर की सब्जी, आटा गूंद के रख दिया है, सैलेड काट के वहाँ पे टेबल पे रख दिया है। अब इस काम वाली पाई के अवतार से चलते नहा लेती हूँ, चेंज कर लेती हूँ, फिर रोटी वगैरह बना के लंच करके फिर चलते हैं मौसी के पास, मौसी से मिल के आते हैं। ये भी बड़ा फन होता है, एक दिन मौसी आती है यहाँ पे, एक दिन हम जाते हैं, फिर एक दिन मौसी आती है, एक दिन हम जाते हैं। तो आज हम जाएंगे मौसी से मिलने, चाचू से भी मिलाएंगे, कल चाचू जी से नहीं, चाचू जी से नहीं मिल पाए थे तो आज मिल के आते हैं। शोरे भी खेल रहे थोड़ी देर वहाँ पे। दीदी को नहीं दूंगा, हाँ क्या कर रहे हो? भुजिया खा रहा है, दीदी के हाथ शेयर नहीं कर रहा। अच्छा वो वाली भी चाहिए है, मुट्ठी भर के वैसे खाऊंगा, कुछ नीचे गिरा दूंगा। दीदी क्या सब्जी खा के आए आज? पता भी नहीं है, गोभी की थी, गाजर की थी, मटर की थी, पालक की थी, हरी सब्जी थी, घिया की सब्जी तो अच्छी बनती है, बच्चों को घिया की सब्जी नहीं अच्छी लगती। आप खा लो बेटा, आप खा लो, आप खा लो। अभी हो चुका है रोटी बनाने का टाइम, क्योंकि लंच का 12 बज चुके हैं, तो लंच का टाइम हो चुका है, बनाते हैं रोटियां।
फिर और हाँ फिर तो मैंने बताया था कि मौसी के पास जाना है लंच करके, फिर चलेंगे मौसी के पास। ये पापा का खाना रेडी, पापा खाना खा लो। सलाद कहाँ गया? सलाद वापस रख दिया? अच्छा उधर रख दिया ना। ये अच्छा शोरेन कर दिया क्या मिक्स सारा? ये मूली और टमाटर शोरे मूली ट्राई करे था ना ये? हाँ हमारा हरियाणा का देसी खाना। सर्दियों में देखो गाजर मटर की सब्जी बहुत अच्छी लगती है, भिंडी का घी, रोटी, लस्सी और साथ में मूली और टमाटर। टमाटर चोरे के लिए काटे थे, मेनली मूली का अच्छा लगता है। तो अब लंच के बाद हमारी सवारी निकल चुकी है छोटी दादी से मिलने। ये देखें गोली दे रहा था मुझे कि मैं सोऊंगा, तो मैंने खोल दिया था पूरा कि आराम से सो जाए प्रैम को। देख लो भाई नया पेंट हुआ है, तो गेस करो शादी किसकी है? हैं शादी किसकी मम्मी? नया पेंट हुआ है तो शादी किसकी? मैं शादी जिसके घर जाऊं उनके बेटे की है। जिस घर में नया पेंट होता है उसका यही होता है ना, ब्याह भी उधर है। ये आ गई छोटी दादी एरी, छोटी दादी एरी, बोलो नमस्ते मौसी जी। तो बाहर खेलूंगा दादी छत है, सारे घूम के देखूंगा दादी के पास। अच्छा क्या खेल रहे हो? पकड़म पकड़ाई दादी छत अच्छा। ओहो अब तो चढ़ गया मैं। हाँ दादी छत खेल रहे हो आप, कैसे खेला? ओ अब उतरते हुए दादी का हाथ चाहिए, चढ़ तो मैं जाऊं है। हाँ सारे बटन चेक कर लिए दादी के, ये चल रहे हैं सारे? ये सारे प्लग्स वगैरह चेक कर रहा था। और यहाँ पे उस दिन रात को तो नहीं दिखा पाई, लेकिन दिन में देखो कितना बढ़िया सब्जी वगैरह लगा रखी है मौसी ने यहाँ पे सारी। यहाँ पालक लगी हुई है, इधर मूली लगी हुई है येरी जो ऐसे इस पे लाइन पे है, ये सारी मूली है। उधर भी मूली, वो मुझे नहीं पता कि उस पेड़ के पास क्या है। ठीक है आगे जो है वो रहा लहसुन गार्लिक, इधर भी लहसुन है, बाकी दूसरी तरफ जाके देखते हैं। अभी मेरा सबसे अच्छा पौधा लगता है मुझे बिच्छू बंटी वाला। मेरा मन करता है यहाँ से ना, वहाँ नहीं होता यूके में, तो मेरा मन करता है कि यहाँ से मैं ले जाऊँ बिच्छू बंटी, जहाँ तक मुझे लगता है हर कंडीशन में ग्रो कर जाएगी। एलोवेरा, ये बड़े वाला एलोवेरा, ये री मेथी, यहाँ पे मेथी हो रखी है। हाँ जी बेटा। और ये आलू, यहाँ पे आलू। ये फिर से पूछते हैं मौसी से ये क्या है, क्योंकि अगर मूली होती। मौसी ये क्या है बीच में? शलगम। तो शलगम डोली पे कौन लाई? अच्छा शलगम जो है नॉर्मली जो मुझे पता है कि ऐसे ना वो बना के डोली से बना के उस पे लगाते हैं, तो मौसी कह रही कि थोड़ा सा एरिया बच गया तो उन्होंने वैसे फिर वो बीज डाल दिए इधर, तो शलगम है वो। और इधर फिर गार्लिक वापस, अरोड़े लास्ट वाली कह रही मैं, मेथी छोटी है वह तो ही को नहीं है। अच्छा प्याज कौन लगाए इब कर? तो चने तो कोनी है अब? चना तो देखिए बंदर पड़ गया एक दिन। अच्छा हो गया था सारा, और पछाम पर वो गिर दी थी हमने तुलसी। अच्छा। को पड़ गई एक दिन। अच्छा फिर मैं नीचे तो प्याज लगाओगे किन्ने? प्याज आए कैरी में लगा दे, ये चना तो ओके। गन्ने लगाए हैं इस बार तो हैं, ई हो जाएंगे कटाई कर दी। देखिए सुतरा फूल आए थे, ई भी दिन में नीचे दिमक लगी कि गढ़ों काट दियो ना वो। मौसी बता रही है मुझे कहाँ पे क्या क्या है। मौसी वो क्या है पीछे? वो चिकू, वो मैंने पहली बार देखे हैं लगे हुए। पुरली साइड देख के कसुत्ता लग रहा है, ये छोटे छोटे कितने लग रहे हैं देखो। निराने मुठे से हैं ये तो, जून में जाके पकेगा। अच्छा अरे शाम मीठा हो जाएगा चीनी जैसा। ये रे यहाँ से दिखाते, ओहो ये तो बहुत सही हो रहे हैं।
छोटे 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 ये देखो कितने बड़ी आए मौसी। ये तो चिकू मेरे को नहीं पता चिकू न्यू लाग जाए अपने अड़े। ये देखो और यहाँ पे ये चाचू ने ये कंपोस्ट का बना रखा है, तो जितना वहाँ का वेस्ट होता है या फूड वेस्ट होता है वो इधर डाल देते हैं। ये भी बढ़िया बना रखा है। और ये अगेन तुलसी बहुत अच्छे से फैली हुई है। यहाँ पे भी गन्ना, फिर से तुलसी। वाओ सारे मनी प्लांट लगाए हुए हैं, कितने अच्छे से देखो ये पूरा ग्रो किया हुआ है। मेरा मन कर रहा है इसको मैंने यूं का ही उठा के यूं के ले चलूं, इतना फैला हुआ बहुत ही अच्छा लग रहा है। और फिर मौसी ने सारी बॉटल्स में भी लगा रखा है। और अभी इस ब्लॉग को मैं यहीं पे फिनिश करती हूँ क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा, क्योंकि काफ़ी कुछ यहाँ पे मौसी की सब्जी वब्जी हमने काफ़ी कुछ देख ली। तो होप आप लोगों को ये ब्लॉग अच्छे लग रहे होंगे। अगर ये ब्लॉग अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट्स करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, और अगर कोई भी सजेशन है, आप कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ और देखना चाहते हैं, तो प्लीज़ आस्क, आई ट्राई टू कवर। बट प्लीज़ अंडरस्टैंड मेरे लिए बिना ब्लॉग बनाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है राजीव के बिना, फिर भी कोशिश कर रही हूँ। देखो मैं, चलो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय।